कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या कार के टायर्स में 40 PSI प्रेशर सही होता है और क्या ये सुरक्षित होता है। इसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, ये सही भी होता है, लेकिन सभी कारों के टायर्स के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग टायर्स के लिए अलग अलग प्रेशर रेटिंग होती है। किसी टायर के लिए 40 PSI प्रेशर सही होता है, तो वहीं किसी टायर के लिए ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। खासकर 40 PSI प्रेशर लेवल पैसेंजर कारों या स्पोर्ट्स कारों के लिए सही हो सकता है, लेकिन छोटी कारों के लिए ज्यादा हो सकता है। छोटी कारों के लिए 35 PSI से नीचे प्रेशर रहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं बड़े ट्रकों के लिए 40 PSI बहुत कम हो सकता है। आमतौर पर कारों के लिए 30 PSI से 40 PSI तक टायर प्रेशर रखा जा सकता है, जो कार और उसके टायर पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर बताएं तो एल्टो 800 के टायर्स के लिए 30 PSI, सिलेरियो के टायर्स के लिए 36 PSI, वैगनआर के टायर्स के लिए 33 PSI, सैंट्रो के टायर्स के लिए 35 PSI, i20 के टायर्स के लिए 30 से 32 PSI, वर्ना के टायर्स के लिए 33 PSI, थार के टायर्स के लिए 30 से 35 PSI और स्कॉर्पियो के टायर्स के लिए 35 से 40 PSI प्रेशर रखा जा सकता है। इसके अलावा होंडा सिटी टायर्स के लिए 30 से 35 PSI, अमेज के टायर्स के लिए 30 PSI, फॉर्च्यूनर के टायर्स के लिए और इनोवा क्रिस्टा के टायर्स के लिए 36 PSI प्रेशर रखा जा सकता है। इन प्रेशर लेवल में मामूली रूप से बदलाव की भी गुंजाइश समझी जा सकती है, जो टायर की क्वालिटी और मजबूती पर निर्भर करेगी।